Hello guys, welcome back on my YouTube channel, and today I'll discuss about the balance of payment. In my previous video, I have already explained the meaning of balance of payment, and in this video I'm going to explain further about BOP. So start with the component of balance of payment account. मैंने previous video में इसका meaning बताया था कि balance of payment account क्या है. आप जानते हो अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. डेबिट और क्रेडिट साइड होती है इसमें. जितने भी इनफ्लोज हैं उनको क्रेडिट साइड रखा जाता है और जितने भी आउटफ्लोज हैं उनको डेबिट साइड. ठीक है, उसके बाद क्या है फिर हमारा इस चैप्टर में है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. कंपोनेंट का मतलब है बीओपी अकाउंट में और क्या आता है. चलो ये तो मोटी सी बात बता दी, इनफ्लो और आउटफ्लो, बट इनफ्लो और आउटफ्लो का भी तो कुछ सिस्टम होगा. ठीक है, तो टू टाइप्स का अकाउंट है इसमें, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. क्योंकि आपको पता है जो ट्रांजेक्शन्स है उनका नेचर अलग अलग होता है. एक फैमिली में दो भाई है, ठीक है, घर तो एक ही है, फैमिली तो फैमिली है, बट उसमें जो टू ब्रदर्स है उनका नेचर तो अलग अलग होगा, उनका काम तो अलग अलग होगा. तो बेसिकली ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को हमने दो भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक तरफ तो ये वाला भाई, दूसरी तरफ इसका नेचर कुछ लड़ाकू विमान है या लड़ता ज्यादा है, इसको अलग रखो. तो ऐसे ही हमने जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स थे, कौन से फोर ट्रांजेक्शन्स, हमने अपने ट्रांजेक्शन को फोर पार्ट में क्लासीफाई किया था, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल. तो बेसिकली उन ट्रांजेक्शन को अलग अलग पार्ट में कर दिया. दो तरीके का अकाउंट बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. एग्जैक्टली जैसे होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 11th क्लास में. ठीक है, तो इस अकाउंट में दो तरीके के बनते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएनएल अकाउंट बोलते हैं. जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे समझते हैं इस चीज को. तो एग्जैक्टली ऐसे ही बीओपी अकाउंट में भी टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अब करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बोर्ड पे तो आप देख ही सकते हो, बट बेसिकली करंट अकाउंट में वो वाले ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो मर्चेंटाइज पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं. मतलब जिन ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट की या किसी नेशन की, गवर्नमेंट की बोल लो, असेट्स और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं उनको बोलते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखा जाता है किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर. तो बेसिकली फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ जाओगे करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन को आप क्लासीफाई कर दो विजिबल और इनविजिबल. होते तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फोर है, बट इधर मैंने टू है दिखाए हैं, शो किए आपको, विजिबल एंड इनविजिबल. तो विजिबल में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, विजिबल में आते हैं ट्रांजेक्शन, आपको बता विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं. विजिबल आइटम्स होते हैं दैट कैन बी सीन टच्ड व्हाइल दे क्रॉस द बॉर्डर. तो टच किसको कर सकते हैं, फिजिकल गुड्स को. सर्विसेज को, सर्विसेज जो है कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, उनको नहीं देखा जा सकता, नहीं टच किया जा सकता. ठीक है, बट फिजिकल जो गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स हैं लाइक ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, अगर इनको हम मंगवाते हैं इनको देखा जा सकता है ना, तो ये आते हैं, यानी विजिबल आइटम हमारा करंट अकाउंट के अंदर आता है जो ये लेन देन है. तो इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, किसका, गुड्स का. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, गुड्स का, फिजिकल गुड्स का, जिनको आप टच करके देख सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है करंट अकाउंट में. अब क्वेश्चन ये है कि किधर साइड रखेंगे, ये तो आपको बता दिए प्रीवियस वीडियो में. एक्सपोर्ट को कहां रखते हैं, एक्सपोर्ट को क्रेडिट साइड रखते हैं, बट किसकी क्रेडिट साइड आएगा, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड. ठीक है, जैसे बीओपी में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, एग्जैक्टली करंट अकाउंट में भी तो ऐसे बनाएंगे भाई. ठीक है, ये डेबिट साइड आपकी और ये क्रेडिट. ठीक है, अब इसमें ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब करना, किधर किस साइड रखें, किस चीज को किधर साइड रखें. तो विजिबल बता दिया भाई, गुड्स का आता है, गुड्स का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट किधर, करंट अकाउंट की
क्रेडिट साइड में आती है क्योंकि इनफ्लो है, ये इनफ्लो का सोर्स है। इनफ्लो किसका? फॉरेन करेंसी का। और इंपोर्ट्स डेबिट साइड आते हैं क्योंकि ये आउट, ये किसका है? फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है, आउटफ्लो का सोर्स है, राइट। साथ ही साथ एक और चीज देख लो, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। केवल जब गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस आएगा, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, उसका जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। उसके बाद इनविजिबल्स। इनविजिबल्स आपको पता है, जिनको देखा नहीं जा सकता, फील कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दियर रिजल्ट, इन फॉर्म ऑफ दियर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यानी फील तो किया जा सकता है उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी उनसे मिल के आ रहा क्या फील कर रहे हैं, वो चीज, वो होते हैं हमारे इनविजिबल्स। इनविजिबल्स को आप इसे और इजी बनाने के लिए फर्दर थ्री पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। फोर ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए थे, उसमें हालांकि फैक्टर का नहीं आया, नॉन फैक्टर का भी नहीं, मैंने तो केवल ये बोला था इनविजिबल्स आइटम इंक्लूड सर्विसेस विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड व्हाइल दे क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। जब इन चीजों का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है सर्विसेज का, उनको देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए एज एन इंजीनियर आप सर्विसेज दे रहे हो, राइट नाउ आई एम गिविंग माई सर्विसेज। कोई फॉरनर्स मेरे से ये कहे कि आप वीडियो बनाइए और हमें सेंड कीजिए, ठीक है, मैंने कर दी, लेन देन हो गया, उसने मेरी पेमेंट कर दी जो वीडियो मैंने उसके पास सेंड की, राइट। तो क्या जब वो वीडियो ने बॉर्डर क्रॉस किया था तो किसी ने देखा उसे, किसी ने छुआ उसे? नहीं, किसी ने देखा, ठीक है। तो ये क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज होती हैं, सामान अलग चीज है, कोई सामान है उनका हो गया, मैं वहां काम करने गया। चलो एक और चीज, ये तो वीडियो की बात थी, मैं खुद जाता हूं वहां पे लेक्चर देने के लिए, तो क्या मैं थोड़ी नहीं खरीदा उन्होंने, या मुझे बिठा लेंगे भाई तू बैठ जा आप खरीद? नहीं, केवल जो मेरी सर्विसेज है उसकी पेमेंट की है। अब सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, मैंने पढ़ाया और टच कर दिया भी, हाँ मुझे नहीं, सर्विसेज जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स को टच कर लो, फील कर सकते हो, वो भी प्रोडक्टिविटी। यहां पे प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि भाई कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा हमारे, वो चीज है सर्विसेज। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनविजिबल्स बोलते हैं। इन इनविजिबल्स को थ्री पार्ट्स में हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब थोड़ा सा 11th क्लास से रिलेटेड है, प्रोडक्शन के फोर फैक्टर्स आपको बताए थे, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो लैंड लेबर कैपिटल, उनकी पेमेंट किस फॉर्म में की जाती है, मतलब जब आप अपने एज ए फैक्टर सर्विसेज देते हो, एज ए फैक्टर किस चीज में? प्रोडक्शन में, या किसी फॉरनर से हम उनकी सर्विसेज लेते हैं किस चीज में? प्रोडक्शन में। तो उनको जो पेमेंट की जाती है वो इस फॉर्म में की जाती है, अगर किसी से पैसा लिया तो इंटरेस्ट दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दिया। रेंट, किसी को बिल्डिंग दी हम रेंट पे तो पेमेंट हम रिसीव कर लेते हैं रेंट की फॉर्म में, और अगर खुद मेहनत कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता? प्रॉफिट। ये तो वो वाली इनकम है, फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर ने रिसीव किया अपने सर्विसेज देके, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर सर्विस दी हो, आपने प्रोडक्शन में अपनी बिल्डिंग की सर्विस दी हो, आपने अपने पैसे की सर्विसेज दी हो, तो उनके बदले जो आपको पेमेंट मिली वो जी पेमेंट होती है इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन फैक्टर सर्विसेज में आते हैं, जैसे शिपिंग की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज, ये सभी इनविजिबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये भी इनविजिबल सी है, जैसे गिफ्ट है, डोनेशन है, रेमिटेंस है। गिफ्ट डोनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी ने आपको पैसा गिफ्ट किया, किसी ने आपको पैसा डोनेट किया, ठीक है। तो पैसा गुड नहीं, रिमेम्बर गुड्स तो केवल फिजिकल गुड्स है, पैसे को हम इकोनॉमिक्स में गुड नहीं मानते, कि भी कुछ सामान है। कभी आप ये कहो ये भी तो गुड है, तो इनविजिबल के अंदर आना चाहिए,
क्योंकि समटाइम्स क्या करते हैं, देखो गुड्स को ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब गुड्स को क्या हम ऐसे करते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन की पीसी में और आपके पास चली गुड्स, ऐसा होता है नहीं, गुड्स को तो कैरी किया जाता है, इसलिए वो विजिबल आइटम है। पैसा ऐसा है यहां से हमने किस आपके अकाउंट में ऑनलाइन ही वो कर दिया, पहुंच गया, देखा किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया पैसे ने, इसलिए इनविजिबल के अंदर आते हैं गिफ्ट एंड डोनेशन। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि जी गिफ्ट, अगर सामान दिया उसने, ये सामान भी तो गिफ्ट कर लेते हैं, सामान है तो फिर विजिबल, अगर वो सामान दिया है, हालांकि विजिबल इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड इसलिए बोला जाता है, ये तो फ्री में मिला, ये ट्रेड किया है, ये टू वे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस भी क्या है, रेमिटेंसेस अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है वो आपको पैसे भेज देता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस, यानी पैसे की फॉर्म में गिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, डोनेशन और रेमिटेंस की, इनको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से होते हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस, किसके अंदर आते हैं, इनविजिबल के अंदर आते हैं, और ओवरऑल ये सारी चीज किसके अंदर आती है, करंट अकाउंट के अंदर। अब इसमें से कौन सी चीज कहां जाएगी, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, अब ये देख लो आप, गिफ्ट रिसीव किया है आपने, दिया है, अगर गिफ्ट हमने रिसीव किया है तो हमारे लिए सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का, अब तो इधर साइड डाल देंगे सोर्स है, तो अगर गिफ्ट आपने दिया है पैसों की फॉर्म में किसी को, तो आउटफ्लो है, यानी फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है। बैंकिंग की सर्विसेज रिसीव किए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना उनकी करेंसी में, इसका मतलब आपका रिजर्व कम होगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज गया आपके पास से कम होगा, तो इधर डालेंगे रिसीव किए बैंकिंग सर्विसेज। अगर हमारे यहां से किसी ने बैंकिंग की सर्विसेज दी है तो इंडियन रुपी में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, ठीक है, फिर इधर साइड रख देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये सर्विसेज ली है, दी है, क्या किया, रेंट मिला है, दिया है, प्रॉफिट अर्न किया है, या यहां से पेड है प्रॉफिट, इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी साइड रखे जाएंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। बेसिकली इसमें हम अकाउंट नहीं बनाते बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वी आर ओनली टेलिंग कि वेयर दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कि इनका कहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है, कोई अकाउंट्स की तरह कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है कि इसमें वो अकाउंट बनाना है आपको, बट पूछा भी जा सकता है बाय चांस, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अकाउंट के अंदर जो भी लेन देन रखे जाते हैं। अब साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं फिर इसके जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर क्या आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, बेसिकली फोर ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए थे, वो कौन कौन से थे, विजिबल आइटम्स होते हैं, इनविजिबल होते हैं, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। अब आपने देखा है थ्री ट्रांजेक्शन तो इसके अंदर ही आगे, करंट अकाउंट के अंदर एक ही रह गया, क्योंकि विजिबल इनविजिबल और यूनिलेटरल भी इनविजिबल का पार्ट करके हमने इधर ही शो कर दिया, अलग अलग दिखा सकते हैं नहीं तो इनविजिबल का ही पार्ट होता है इसलिए इसी में दिखा दिया। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के लिए तो एक ही ट्रांजेक्शन रह गया, वो कौन सा है, कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या है वो, कैपिटल ट्रांसफर्स। पहले बात आई कैपिटल अकाउंट की, ये तो बात रही किसकी, करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी फिगर आती है, तो इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगा जो आपको लिए इजी हो जाए समझने के लिए। एक्सक्यूज मी, देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा क्या क्या आता है, बोरोइंग और लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कैपिटल एंड एनआरआई डिपॉजिट्स। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ये जो कैपिटल अकाउंट है क्या चीज। इसकी डेफिनेशन तो वैसे भी दे सकते हैं हम कि कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कैपिटल एंड दिस, बट बेसिकली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच कॉज एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स असेट्स एंड लायबिलिटी।
ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शंस जिससे गवर्नमेंट की असेट्स या लाइबिलिटी में चेंज आए उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। असेट्स और लाइबिलिटी आप समझते हो क्या चीज है। देखिए पहले मैं असेट्स को क्लियर करना चाहूंगा, नहीं आप यू विल गेट कंफ्यूज्ड। गुड्स, आपने मार्कर प्रोड्यूस किया एज ए फर्म, मार्कर्स आपने प्रोड्यूस किए, ये एक गुड है मार्कर, ठीक है। मार्कर आपने एक्सपोर्ट कर दिए, क्या आपकी असेट्स कम हुई? नहीं। ये मार्कर तो मैंने बनाया ही सोल्ड करने के लिए है। हाँ, अगर मार्कर बनाने वाली मशीन, मार्कर बनाने वाली बिल्डिंग को अगर मैं सोल्ड कर देता हूं तो मेरी असेट्स में कमी आई है, क्योंकि असेट्स वो होती है जिसे आप कमा रहे हो, जिससे आप फर्दर इनकम अर्न करते हो, वो असेट्स होती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्कर असेट्स नहीं है, मार्कर तो आपके पास स्टॉक है, गुड्स है, जो आपने बनाया ही किसके लिए था? सोल्ड करने के लिए स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए बोरोइंग और लेंडिंग की बात कर लीजिए। मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि अभी मैंने जो डेफिनेशन दी है कि भाई कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिनसे असेट्स और लायबिलिटी में चेंज होता है गवर्नमेंट की में, कंट्री की में। तो आप कहोगे कि जब गुड्स अभी हमने उसका वो किया था करंट अकाउंट का, और करंट अकाउंट के अंदर पहला ही पॉइंट क्या था हमारा? विजिबल आइटम्स का लेन देन। आप कहोगे वो जो जी विजिबल आइटम्स है, कोई मशीनरी है हमने सोल्ड की, एक्सपोर्ट की, तो असेट्स कम हुई हमारे? आप ये कह सकते नहीं, असेट्स नहीं है वो बेसिकली जो मशीनरी है वो बना ही बेचने के लिए थी, हमने सेल करने के लिए बनाई थी, स्टॉक का पार्ट है वो। हाँ, जिन चीजों से हम उस मशीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसे ही बेच दें, पूरे बिजनेस को ही सोल्ड कर दें, तब वो इसके अंदर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उससे आपकी असेट्स में कमी आई है, असेट्स में गिरावट आई है। स्मॉल नीडल से लेके बड़ी मशीन तक जितने भी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मर्चेंटाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है, जैसे बोरोइंग की बात कर लेते हैं पहले, बोरोइंग है लेंडिंग, ठीक है। या तो आपने बोरोइंग किया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या आपने लेंडिंग किया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट का भी वही डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, ये तो सिंपल सी बात है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड तो होगी होगी, इसमें से ये देखना कि कौन किसको किधर साइड रखते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बोरोइंग से क्या है। वैसे बोरोइंग आप जानते हो सभी कि आप फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर सकते हो फॉरेन करेंसी। समटाइम्स जब हमारी कंट्री का जो रिजर्व है वो फॉल हो जाता है तो हम फॉरेन करेंसी उधार भी ले लेते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो अदर नेशन है, उनकी सरकार से हम उनकी करेंसी उधार भी ले लेते हैं, बट देने भी उनकी करेंसी में ही। जब आप रीपेमेंट करोगे तो फॉरेन करेंसी में ही आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो बोरोइंग सोर्स किसका है? बोरोइंग इट मींस बोरोइंग इज द सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी आएगी ये बताया तो उधार ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी आएगी तो आपको पता है इनफ्लो तो इधर साइड रखते हैं, इसका मतलब बोरोइंग इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। आप लैंड भी कर सकते हो, रुपी भी और फॉरेन एक्सचेंज भी, दोनों ही चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंडिंग किसकी की है फिर ये भी देखना पड़ेगा। तो बोरोइंग और लैंडिंग, इनसे ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट क्यों है? देखो बोरोइंग है, ठीक है, हमारे को लायबिलिटी बढ़ी क्योंकि बोरोइंग ऐसा नहीं सदा मदा के लिए आपकी होगी, वो आपको देना पड़ेगा ना एक दिन, तो वन डे आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी जो लिया आपने, देना पड़ेगा वो, इट इंक्रीजेस लायबिलिटी। और मैंने अभी बताया था कि जिससे लायबिलिटी और असेट्स पे फर्क पड़ता है वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे किधर आते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हुआ कैपिटल अकाउंट का पार्ट। लेंडिंग की बात करें, अगर आपने मनी किसी को लेंड किया, यू विल गेट इंटरेस्ट, यानी वो पैसा आपका एज एन असेट्स काम करना स्टार्ट कर देगा,
आपके पास पड़ा है, बेकार पड़ा है, आप उसे किसी को इंटरेस्ट पे दे दो तो वो असेट्स बन जाएगी, वो हमें कमा के दे दिया, ठीक है। तो लेंडिंग से क्या है, असेट्स बढ़ती है हमारी, पैसे देने से असेट्स बढ़ती है, वो पैसा हमारा एज एन असेट्स काम करता है, हमारे लिए फर्दर मनी अर्न करता है, इसलिए कैपिटल का पार्ट है। उसके बाद सेकंड जो मेन है वो है इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने और फर्दर पार्ट हम इस बोरोइंग में भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंट है, इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बोरोइंग को, बट मेन है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब बोरोइंग और लेंडिंग उसका अपोजिट और इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बेसिकली दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एसजी कैपिटल अकाउंट में क्यों आती है इन्वेस्टमेंट की फिगर, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी फॉरेनर से, हमारे यहां के इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे असेट्स कम हुए, जब भी वो इन्वेस्ट करेगा, मान चलो उसने हमारे रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ पार्ट ले लिया, तो रिलायंस वाले की हमारे नेशन के असेट्स में कमी आई, क्योंकि अब वो संपत्ति हमारी नहीं है, अब पैसा हम नहीं कमाएंगे, अब पैसा वो फॉरेनर कमाएगा हमारी से, तो हमारी संपत्ति नहीं रही ना इन्वेस्टमेंट की वजह से, इसलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, जिनसे भी असेट्स लायबिलिटी में चेंज आए। आप भी असेट्स ले सकते हो बाहर, ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड से आपके नेशन के असेट्स बढ़ेंगे। आप एप्पल फर्म को खरीद लेते हो बाहर जाके, यानी आपने इन्वेस्ट कर दिया एप्पल फर्म में किसी फॉरेन कंपनी में, तो हमारी वो असेट्स है, उससे प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, ठीक है, असेट्स बढ़ी और असेट्स से लायबिलिटी में चेंज आए तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसलिए इन्वेस्टमेंट टू एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है, दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, आप भी कर सकते हो, कोई फॉरेन हमारे यहां कर सकता है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको FII के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब है जब कोई फॉरेनर डायरेक्ट हमारे यहां आके हमारी असेट्स को परचेज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे रिलायंस इंडस्ट्री को ही परचेज कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री को ही टेक ओवर कर लिया, ये तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, राइट। एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ये है कि पूरा टेक ओवर नहीं किया, कुछ शेयर्स वगैरह ले लिया हमने, 10% 20% शेयर्स, शेयर्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है, शेयर्स है, डिवेंचर है, अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किए किसी बाहर के बंदे ने, मतलब रिलायंस कंपनी को टेक ओवर नहीं किया, उसके 20% शेयर खरीद लिए, कुछ हिस्सेदारी कर ली, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII के नाम से भी जानते हैं इसको, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है बाय द फॉरेनर्स इन योर नेशन, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंट्रीज, और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि इसे असेट्स में चेंज आता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग भी कॉज अ चेंज इन योर असेट्स और लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, राइट। ये चीज भी क्लियर होगी, फिर से बता दूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई फॉरेनर हमारी पूरी जो असेट्स है उसको टेक ओवर कर लेता है, उसको FDI बोलते हैं, किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री ही खरीद ली पूरी, ठीक है, और अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे, कुछ शेयर, कुछ हिस्सेदारी खरीदे, कुछ परसेंट, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर कुछ और भी टाइप्स हैं, कुछ और भी ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो विच टेक प्लेस बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है बैंकिंग कैपिटल, NRI डिपॉजिट्स। बैंकिंग कैपिटल क्या है, बैंकिंग कैपिटल से मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक में भी अपनी डिपॉजिट को करा सकता है। सपोज कीजिए हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या HDFC बैंक है, ये किसी फॉरेन के बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, बट वो पैसा डिपॉजिट कराया, क्या वो उस बैंक का हो गया क्या, यहां भी कराया हमारे बैंक ने स्विस बैंक में करा दिया, क्या वो उनका हो गया पैसा, नहीं,
स्विस बैंक का थोड़ा नहीं है, स्विस बैंक के लिए क्या हो लायबिलिटी, एक वापस देना पड़ेगा उसे, इसको बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। ठीक है, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में, ऐसे कोई फॉरनर बैंक, कोई फॉरन का बैंक है हमारे यहाँ, हमारे किसी बैंक में डिपोजिट करा देता है, तो वो हमारा थोड़ा नहीं हुआ, वो तो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, हमारे बैंक के लिए वापस देना पड़ेगा। ऐसे एनआरआई डिपोजिट है, कोई नॉन रेजिडेंट इंडियंस है यानी इंडियन नहीं है, उसने हमारे किसी बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, ये भी तो लेन देन हुआ, उसने डिपोजिट कराई, बट वो डिपोजिट, उस डिपोजिट से क्या हुआ हमारी लायबिलिटी बढ़ी, हमारे नेशन की, हमारे नेशन में वो जो बैंक है उसकी लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, क्यों, कि वापस देना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस की डिपोजिट है वो वापस देनी पड़ेगी, कोई ये थोड़ी नहीं आपका जन्म से अधिकार है उस चीज के ऊपर, वापस देना पड़ेगा, इसलिए एनआरआई डिपोजिट्स को भी कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ये जो बेसिकली बोरोइंग्स है, इसके बारे में आपको और दो चीज बता दूं, इसमें है एक तो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंट, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग के तरीके बता रखे हैं कि एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है। बेसिकली ऐसा है, जब कई बार जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है किसी नेशन में, उससे अगर आपको कम रेट पे कोई मिल जाए, कम रेट पे बोरोइंग हो जाए, तो उसको तो एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं। जैसे वर्ड से ही पता, असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है एक तरीके से, यानी जो उनकी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम पे आपको दे दिया उन्होंने, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस के नेम से जानते हैं। और जो नॉर्मल रेट चला हुआ है अगर उस पर बोरोइंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग को फर्दर इन टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, राइट। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब इसमें अगर आप ये पूछना चाहोगे जी डेबिट में रखेंगे क्रेडिट में रखेंगे, इसके लिए हमें एक एक जो ट्रांजेक्शन है वो देखना पड़ेगा कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो उन एक्टिविटीज से फॉरेन करेंसी आएगी हमारे नेशन में ये जाएगी, इनफ्लो का काम करेगी वो चीज एक्टिविटी या आउटफ्लो का काम करेगी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम का मतलब ये कि फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ की है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट सॉरी अगर ऐसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इसका मतलब आउटफ्लो हमारे से जा रहा है। ठीक है, तो इनफ्लो है तो इनफ्लो से देखो, क्यों एफडीआई से, एफडीआई इनफ्लो क्यों है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये इनफ्लो का काम कैसे करता है। देखिए इनफ्लो का काम ऐसे करता है, अब उनको तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपए तो चाहिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो रुपए चाहिए तो अभी मैंने बताया था आरबीआई से मांगेंगे, आरबीआई डॉलर ले लेगा उनका, एक्सेप्ट कर लेगा, रुपए दे देगा उनको, लीजिए लो जी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आरबीआई के पास क्या आई ना फॉरेन करेंसी हमारे पास, तो इनफ्लो का सोर्स होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनफ्लो का सोर्स होता है, इसलिए क्रेडिट साइड रख देंगे। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप डॉलर की डिमांड करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे डॉलर की डिमांड करोगे, तो फिर हमारा रिजर्व कम होगा, आप डॉलर ले जाओगे इंडिया से। अगर आप ये कहोगे नहीं जी हम वहीं से खरीदेंगे, बात तो वही है ना, वो रुपयों को फिर हमारे पास ले आएंगे कि ये पकड़ो जी अपनी रुपी लाओ हमें डॉलर, ठीक है, तो वो क्या करता है आउटफ्लो का काम करता है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, और आउटफ्लो को कहां रखते हैं डेबिट साइड। तो ये बेसिकली डिफरेंस है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो रखे जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है वो विजिबल एंड इनविजिबल। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसमें मैंने अभी उसका एग्जांपल दिया था कि अगर मार्कर सी की है तो ये उसका काम नहीं है, कभी आप दिमाग में ये बिठा लो कि ये भी तो हमारी असेट्स है, क्योंकि इसमें मैंने जो डेफिनेशन का बेस बनाया वो क्या बनाया था कि कैपिटल अकाउंट keeps record of all transactions which cause an effect of change in assets and liability of the government, ये बेस बनाया था। अगर आप इसको लेके बैठ जाओ कि इससे भी तो चेंज होता है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि मार्कर्स हमारी असेट्स नहीं है, ये तो गुड्स है स्टॉक है, ये बेचने के लिए ही बनाए हैं, बट अगर हम मार्कर बनाने वाली बिल्डिंग को कर दें तो उससे हमारी असेट्स में कमी आई है, तब वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा वो ट्रांजेक्शन, और उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर वो ट्रेड थोड़ी नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो
तो ये थे कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। देखिए इनको एक बार, आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी होती है, क्योंकि यही नहीं कि आपने यूट्यूब या किसी का भी लेक्चर, क्लास में भी ऐसे होता है जो टीचर्स हैं लेक्चर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू रीड द बुक। अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल लूंगा किसी भी तरीके से, राइट। या तो वीडियो बना के, नहीं आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप करके योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसको चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी कराइए। थैंक यू, गुड डे।